नमस्कार दोस्तों, ए मिस्ट्री एंड हिस्ट्री में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा कही गई ये बातें, न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के हो। यह शरीर पांच तत्वों से बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं पांच तत्वों में विलीन हो जाएगा। दोस्तों, जब शरीर छूटता है तो व्यक्ति के साथ क्या होता है? यह सवाल सदियों पुराना है। इस संबंध में जनमानस के चित पर रहस्य का पर्दा आज भी कायम है, जबकि इसका हल खोज लिया गया है। फिर भी यह बात विज्ञान सम्मत नहीं मानी जाती, क्योंकि यह धर्म का विषय है। मुख्यतः तीन तरह के शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। व्यक्ति जब मरता है तो स्थूल शरीर छोड़कर पुनः सूक्ष्म में ही विराजमान हो जाता है। सूक्ष्म शरीर के विस्मृत होने के बाद व्यक्ति दूसरा शरीर धारण कर लेता है, लेकिन कारण शरीर बीज रूप जो अनंत जन्मों तक हमारे साथ रहता है। आत्मा पर छाई धुंध। दोस्तों, व्यक्ति रोज मरता है और रोज पैदा होता है, लेकिन उसे इस बात का आभास नहीं होता। प्रतिपल व्यक्ति जागृत, स्वप्न और फिर सुसुप्ति अवस्था में जीता है। मरने के बाद क्या होता है, यह जानने के लिए सर्वप्रथम व्यक्ति के चित्त की अवस्था जानना जरूरी है। या कहना चाहिए कि आत्मा के ऊपर छाई भाव, विचार, पदार्थ और इंद्रियों के अनुभव की धुंध का जानना जरूरी है। आत्मा शरीर में रहकर चार स्तर से गुजरती है। छांदोग्य उपनिषद 8:7 के अनुसार आत्मा चार स्तरों में सोम के होने का अनुभव करती है। नंबर एक जागृत, नंबर दो स्वप्न, नंबर तीन सुसुप्ति और नंबर चार तुरीय अवस्था। तीन स्तरों का अनुभव प्रत्येक जन्म लिए हुए मनुष्य को अनुभव होता ही है, लेकिन चौथे स्तर में वही होता है जो आत्मवान हो गया है या जिसने मोक्ष पा लिया है। वह शुद्ध तुरीय अवस्था में होता है, जहाँ न तो जागृति है, न स्वप्न है, न सुसुप्ति। ऐसे मनुष्य सिर्फ दृष्टा होते हैं, जिसे पूर्ण जागरण की अवस्था भी कहा जाता है। होश का स्तर तय करता गति। दोस्तों, प्रथम तीन अवस्थाओं में कई स्तर हैं। कोई जागृत रहकर भी स्वप्न जैसा जीवन जीता है, जैसे ख्याली राम या कल्पना में ही जीने वाला। कोई चलते फिरते भी नींद में रहता है, जैसे कोई नशे में धुत है चिंताओं से, या फिर जिसे कहते हैं तामसिक। दोस्तों, हमारे आसपास जो पशु पक्षी हैं वे भी जागृत हैं, लेकिन हम उनसे कुछ ज्यादा होश में हैं। तभी तो हम मानव हैं। जब होश का स्तर गिरता है तब हम पशुवत हो जाते हैं। आपने कहते हुए ये भी सुना होगा कि व्यक्ति नशे में जानवर बन जाता है। पेड़ पौधे। दोस्तों, पेड़ पौधे और भी गहरी बेहोशी में हैं। मरने के बाद व्यक्ति का जागरण, स्मृति, कोष और भाव तय करता है कि इसे किस योनि में जन्म लेना चाहिए। इसलिए वेद कहते हैं कि जागरने का सतत अभ्यास करो, जागरण ही तुम्हें प्रकृति से मुक्त कर सकता है। क्या होता है मरने के बाद? दोस्तों, सामान्य व्यक्ति जैसे ही शरीर छोड़ता है, सर्वप्रथम तो उसकी आंखों के सामने गहरा अंधेरा छा जाता है, जहां उसे कुछ भी अनुभव नहीं होता। कुछ समय तक कुछ आवाजें सुनाई देती है, कुछ दृश्य दिखाई देते हैं, जैसा कि स्वप्न में होता है, और फिर धीरे धीरे वह गहरी सुसुप्ति में खो जाता है, जैसे कोई कोमा में चला जाता है। दोस्तों, गहरी सुसुप्ति में कुछ लोग अनंत काल के लिए खो जाते हैं, तो कुछ इस अवस्था में ही किसी दूसरे गर्भ में जन्म ले लेते हैं। प्रकृति उन्हें अनेक भाव, विचार और जागरण की अवस्था अनुसार गर्भ उपलब्ध करा देती है। जिसकी जैसी योग्यता वैसा गर्भ, या जिसकी जैसी गति वैसी सुगति या दुर्गति। गति का संबंध मति से होता है, सुमति तो सुगति। लेकिन यदि व्यक्ति स्मृतिमान है, अच्छा हो या बुरा, तो सुसुप्ति में जाकर चीजों को समझने का प्रयास करता है, फिर भी वह जागृत और स्वप्न अवस्था में भेद नहीं कर पाता है। दोस्तों, वह कुछ कुछ जागा हुआ और कुछ कुछ सोया हुआ सा रहता है, लेकिन उसे उसके मरने की खबर रहती है। दोस्तों, यदि व्यक्ति जब तक जन्म नहीं ले सकता, जब तक कि उसकी इस जन्म की स्मृतियों का नाश नहीं हो जाता, कुछ अपवाद स्वरूप जन्म ले लेते हैं, जिन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा स्मृतिवान, जागृत या ध्यानी है, उसके लिए दूसरा जन्म लेने में कठिनाइयां खड़ी हो जाती है, क्योंकि प्राकृतिक के प्रोसेस अनुसार दूसरे जन्म के लिए बेहोश और स्मृतिहीन रहना जरूरी है। इनमें से कुछ लोग जो सिर्फ स्मृतिवान है, वे भूत, प्रेत या पितृ योनि में रहते हैं, और जो जागृत है, वे कुछ काल तक अच्छे गर्भ की तलाश का इंतजार करते हैं। लेकिन जो सिर्फ ध्यानी है या जिन्होंने गहरा ध्यान किया है, वे अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी और कभी भी जन्म लेने के लिए स्वतंत्र हैं। यह प्राथमिक तौर पर किए गए तीन तरह के विभाजन है। विभाजन और भी होते हैं, जिनका वेदों में उल्लेख मिलता है।
दोस्तों, जब हम गति की बात करते हैं तो तीन तरह की गति होती है, सामान्य गति, सदगति और दुर्गति। तामसिक प्रवृत्ति व कर्म से दुर्गति ही प्राप्त होती है, अर्थात इसकी कोई गारंटी नहीं है कि व्यक्ति कब, कहां और कैसी योनि में जन्म ले सकता है। यह चेतना में डिमोशन जैसा है, लेकिन कभी कभी व्यक्ति की किस्मत भी काम कर जाती है। सचमुच प्रकृति में किसी भी प्रकार का कोई नियम काम नहीं करता, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति की योग्यता भी असफलता का द्वार खोल देती है। और अयोग्य व्यक्ति यदि अच्छी चाहत और सकारात्मक विचारों वाला है तो सदगति को प्राप्त हो जाता है। प्रकृति को चाहिए जागरण, समर्पण और संकल्प। तो संकल्प लेके आज से हम विचार और भाव के जाल को काटकर सिर्फ दृष्टा होने का अभ्यास करेंगे। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना। वो इसलिए जिससे कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।